अनमोल जायसवाल, जिसके अराउंड 4 से 5 यूट्यूब चैनल है और उसकी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन के आसपास रीच है। इसके अलावा अनमोल जायसवाल की एक मीडिया एजेंसी भी है, बी वर्चुअल मीडिया करके। एंड अनमोल जायसवाल ने अभी रिसेंटली एक ट्रिप स्टार्ट किया है इंडिया टू लंदन बाय रोड, जिसमें वो अराउंड 110 दिन इंडिया से बाहर रहेंगे एंड ट्रेवल करेंगे बाय रोड इन हिज कंट्रोवर्शियल कार महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। एंड मैं इसको कंट्रोवर्शियल क्यों बोल रहा हूँ, इसके ऊपर आगे वीडियो में बात करेंगे। ये ट्रिप इंडिया के पर्सपेक्टिव में और अनमोल जायसवाल के पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छी है। इसका रीसेंट एग्जांपल हम उनके इंडियन बैकपैकर चैनल पे देख सकते हैं, जहाँ 1 लाख व्यूज एवरेज आते थे, वहाँ अब वीडियोस मिलियन में पहुँच रही हैं। एंड इट मींस कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें भी वीडियो बनानी पड़ रही है। ये ट्रिप का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी एक सरदार जी ये ट्रिप उनकी फॉर्चुनर में कर चुके हैं। एंड जायसवाल भाई के साथ साथ एक कर्नाटका के यूट्यूबर है, वो भी अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो में ये सेम ट्रिप कर रहे हैं। एंड इस ट्रिप में एक अजीब बात है, जो कर्नाटका के यूट्यूबर है उन्होंने भी महिंद्रा स्कॉर्पियो को चूज किया इस ट्रिप के लिए, सेम अनमोल जायसवाल ने भी महिंद्रा स्कॉर्पियो को सिलेक्ट किया। एंड इस ट्रिप ने कुछ क्वेश्चन अराइज कर दिए, जो कि आई बिलीव आप जैसे कार फैंस को जानना चाहिए। पहला क्वेश्चन, क्या महिंद्रा ने ये ट्रिप स्पॉन्सर करी है कर्नाटका के यूट्यूबर के लिए और अनमोल जायसवाल के लिए? एंड रिसेंटली महिंद्रा एक कंट्रोवर्सी में भी था, जिसमें अरुण पवार की महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का सनरूफ लीक हो जाता है, जिसकी वजह से महिंद्रा को बैकलैश आता है और उसकी ब्रांड वैल्यू या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की वैल्यू कम होती है। एंड हो सकता है इस कंट्रोवर्सी को ओवरकम करने के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो ने सीक्रेटली ये ट्रिप स्पॉन्सर कर दी हो और अपनी गाड़ी को ले जाने का बोला हो, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। एंड तीसरा क्वेश्चन, एक चैनल है अनमोल्स गैराज करके, जिसपे वो ऑटोमोबाइल का कंटेंट डालते हैं, उसपे उन्होंने अपनी महिंद्रा एन की प्रिपेयरिंग की वीडियोस डाली थी, जिसके अंदर उन्होंने अपने स्कॉर्पियो के अंदर बहुत सारे फॉल्ट निकाले थे, प्लस उन्होंने इसकी माइलेज भी कम बताई थी एंड कुछ इश्यूज भी बताए थे। इतने सारी प्रॉब्लम के बाद भी अनमोल जायसवाल ओनली सिलेक्ट महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, व्हाई? इन शॉर्ट, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में ऐसा क्या है कि अनमोल जायसवाल ने सभी गाड़ी जो कि उनके पास BMW थार या फिर क्रेटा का ऑप्शन था, वो छोड़ के महिंद्रा की गाड़ी को ही चूज किया और स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो एन, जो कि इतनी कंट्रोवर्शियल है? इन सभी क्वेश्चन को आगे वीडियो में बात करेंगे, बट उससे पहले स्कॉर्पियो के बारे में जान लेते हैं। स्कॉर्पियो को महिंद्रा ने 2002 में लॉन्च किया था, अराउंड 20 से 21 साल हो चुके हैं इस बात को, और लॉन्च करते स्कॉर्पियो मार्केट में हिट हो गई थी। उसके बाद 2006 में इन्होंने अपडेट किया, उसके बाद 2009 में एक फेस लिफ्ट आया, उसके बाद 2014 में महिंद्रा स्कॉर्पियो को पूरा ही चेंज कर दिया था। इसके बाद अराउंड 2017 में उन्होंने स्कॉर्पियो गेटवे को भी लॉन्च किया एंड फाइनली 2022 में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को लॉन्च किया इन जून, एंड ये मार्केट में आते ही हिट हो गई थी। एंड सबसे बड़ा रीजन है, इसको प्लेस ही टोयोटा फॉर्च्यूनर के अगेंस्ट में किया था, कि सेम टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी बिल्ड वाली गाड़ी आप कम प्राइस में ले सकते हो, वो भी इंडियन ब्रांड से। एंड स्कॉर्पियो एन के लॉन्च के बाद इसके साथ बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ गई, लाइक इसका वेटिंग पीरियड 40 से 60 वीक्स था, इतना ज्यादा। एंड उससे भी बड़ी चीज, लॉन्च होते ही महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ने रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग कर दी, जिसमें अराउंड 18,000 करोड़ रुपए की इसकी बुकिंग हुई, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। एंड लॉन्च होते ही जो इसने बम्पर फाड़ ओपनिंग दी है, उसके पीछे मोटा मोटी दो कारण है। पहला कि ये लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है, जिसके ऊपर अपनी थार या फिर आने वाली 5-डोर थार भी बेस्ड है। इट मीन्स इसके अंदर प्रोफेशनल लुक है, बट ये एडवेंचरस कार भी है, जो कि ऑफ रोड कैपेबिलिटीज रखती है। एंड ये 4x4 वेरिएंट में भी आती है, अनमोल जायसवाल के पास भी 4x4 वेरिएंट है। एंड दूसरा रीजन, प्लेसमेंट, इसको प्लेस फॉर्च्यूनर के अगेंस्ट में रखा गया था, जिसका नाम बिग डैडी रखा गया था। एंड इसकी प्राइसिंग इतनी चीप या फिर बजट फ्रेंडली है कि फॉर्च्यूनर के मजे आप स्कॉर्पियो एन में ले सकते हो, विद सेम स्पेस, ग्राउंड क्लियरेंस, पावर एंड सेफ बिल्ड ऑफ दिस कार। इन शॉर्ट, प्रोफेशनल लुक कार विद रफ एंड टफ कैपेबिलिटीज। अब बात करते हैं कि महिंद्रा ने उनकी ट्रिप को स्पॉन्सर किया है, इस वजह से महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को उन्होंने सिलेक्ट किया। तो मेरे भाई, मैंने उनकी मोस्टली हर वीडियो देखी है, हर चैनल के ऊपर, इवन इंस्टाग्राम के ऊपर, उन्होंने कहीं भी इस बात को मेंशन नहीं किया कि महिंद्रा ने उनको स्पॉन्सर किया है। बट महिंद्रा हमें स्पॉन्सर कर दे, ये बात वो बहुत बार अपनी वीडियो में बोल चुका है। इट क्लियरली मींस कि महिंद्रा ने उनको स्पॉन्सर तो नहीं किया है, देन व्हाई ही चूज महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, जिसके लिए अनमोल भाई अपनी वीडियोज में इतनी प्रॉब्लम बताता है। आफ्टर वॉचिंग ऑल हिज वीडियो
रिलेटेड टू ट्रिप मुझे मोटा माटी चार रीजन पता लगे। पहला, उन्होंने बोला कि मैं BMW इसलिए नहीं चूज कर रहा क्योंकि BMW को मुझे बेचना है एंड ये ट्रिप मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं ऐसी कार चाहता हूँ जिसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख पाऊँ एज ए सुवेनियर या फिर याद के रूप में। एंड दूसरा रीजन, स्कॉर्पियो की मेंटेनेंस भी कम है प्लस वो कार एक प्रोफेशनल और ऑफ रोड के बीच का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि महिंद्रा कंपनी ने निकाला है। वो कार XUV और थार का एक परफेक्ट मिक्स है जो कि महिंद्रा ने निकाला है। एंड आप बोल सकते हो कि फिर क्रेटा, हैरियर या फिर और भी गाड़ियां थी उसी सेम प्राइस रेंज में जो ये सब कुछ ऑफर कर रही थी, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि रिसेंटली मैंने कुछ प्रॉपर्टी बाय करी है, अपना घर वगैरह, जिसकी वजह से उनके पास इतने पैसे नहीं थे एंड क्रेटा XUV उनके पास पहले से थी, तो बची हैरियर। एंड हैरियर को चूज करने का रीजन आई गेस स्पेस या फिर डायमेंशन हो सकता है क्योंकि स्कॉर्पियो एन हैरियर से थोड़ी बड़ी है। जहाँ स्कॉर्पियो एन 4662 डायमेंशन में आती है, वहीं हैरियर 4598 डायमेंशन में आती है। ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन फर्क तो है, एक्स्ट्रा एक दो बैग आ ही सकते हैं। ऑल्दो स्कॉर्पियो एन एक नया प्रोडक्ट है कम्पेयर टू हैरियर, बट स्कॉर्पियो एन में फीचर ज्यादा अच्छे है कम्पेयर टू हैरियर, जिसकी वजह से आई गेस अनमोल जायसवाल ने स्कॉर्पियो एन को चूज किया इंस्टेड ऑफ टाटा हैरियर। एंड टू सम अप दिस वीडियो, अनमोल जायसवाल ने महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को चूज करने के पीछे चार रीजन थे, दो उनके पर्सनल थे एंड दो टेक्निकल थे। एंड भाइयों, इसके अलावा आप लोगों को क्या लगता है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को चूज करने के पीछे और क्या रीजन हो सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हो। एंड भाई, अगर इतना लास्ट तक आ गए हो तो एक लाइक तो बनता है, और अगर ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो बार बार एंड आगे भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।